हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर और मैं हूं मनीष शंकर तिवारी। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार। अभी हम लोगों ने परिवहन के साधनों पर चर्चा की है और स्थल परिवहन के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं सड़क परिवहन को और रेल मार्गों को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे सस्ते परिवहन के साधन जल परिवहन के बारे में। साथ ही हम पढ़ेंगे दुनिया के सबसे महंगे परिवहन का साधन वायुमार्ग के बारे में। चलिए हम आरंभ करते हैं। जल परिवहन और वायु परिवहन के अंतर्गत सबसे पहला हमारा विषय है, आज का टॉपिक है जल परिवहन। भारत में भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि तीन ओर से वह समुद्र से घिरा है एवं वर्ष भर पानी उपलब्ध कराने वाली नदियाँ यहाँ के जल परिवहन के विकास का आधार हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो आपको समुद्र तटीय क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पर एक ये, दूसरा क्षेत्र ये और तीसरा ये, मतलब तीनों ओर से, पहली इस तरफ से अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, जबकि पश्चिम में बंगाल की खाड़ी भारत को घेरे हुए है और इसीलिए इसको हम प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी कहते हैं। तीन ओरों से, तीन दिशाओं से जिस स्थल को समुद्र घेरे होता है उसको हम प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो भारत एक प्रायद्वीपीय स्थिति में है, भारतीय प्रायद्वीप भी इसको हम बोलते हैं। तो यह तीन ओर से समुद्र से घिरा है, मतलब यहाँ पर जल परिवहन की संभावनाएं बहुत शानदार हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नदियों की भी बहुत अच्छी स्थिति है। आप अब देखिए यहाँ पर ये सिंधु नदी, व्यास नदी, गंगा नदी, यमुना, चंबल, लूनी है यहाँ, बेतवा, घाघरा, सोन नदी, गंडक, दामोदर नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती, फिर दक्षिण की नदियों में हम देखते हैं कि गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, ये सारी नदियां यहाँ पर हमको दिख रही हैं और ये ऐसी नदियां हैं जहाँ पर वर्ष भर पानी रहता है। साथ ही यहाँ पर ये चिल्का झील स्थित है और कृत्रिम हमारे जो बांध बनाए गए हैं बड़े बड़े, गांधी सागर, भाखड़ा नंगल, गोविंद सागर और ये अपना निजाम सागर, इस तरह से हीराकुंड जलाशय, इन जलाशयों के माध्यम से भी भारत में जल परिवहन की अपार संभावनाएं हैं। जल परिवहन जो है वह सभी परिवहनों में सस्ता है, जैसा कि मैंने आपको आरंभ में बताया था कि सबसे सस्ता साधन, दुनिया का पहला परिवहन का साधन जल परिवहन ही है। इसमें यात्रियों को ढोने वाले जहाज को हम बोलते हैं लाउडर, जबकि मालवाहक जहाज़ों को हम बोलते हैं ट्रैम्प। याद रखिएगा, यात्री जहाज़ों को बोलते हैं लाउडर और मालवाहक जहाज़ों को बोलते हैं जिसमें कंटेनर वगैरह लदे होते हैं उनको बोलते हैं ट्रैम्प, जबकि खनिज तेल ढोने वाले टैंकर कहलाते हैं जहाज। कुछ जहाज ऐसे होते हैं जिनमें रेफ्रिजरेशन की भी सुविधा होती है ताकि ऐसा सामान उनसे लाया और ले जाया जा सके जो जल्दी ख़राब ना हो। ये सामान कौन से होते हैं? दुग्ध पदार्थ, फल और सब्जियाँ, मतलब एक तरह से कोल्ड स्टोरेज जैसा उनको तैयार कर दिया जाता है और उनमें रखकर इन जल्दी ख़राब होने वाले सामग्रियों का परिवहन किया जाता है। समझ में आ गया ना? यात्री ढोने वाले लाउडर, माल ढोने वाले ट्रैम्प और खनिज तेल के टैंकर जहाज कहलाते हैं। ये इस पॉइंट में, ये इस स्लाइड में, इस स्क्रीन पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यात्री ढोने वाले जहाज को लाउडर कहते हैं, ट्रैम्प हम बोलते हैं मालवाहक जहाज़ों को, जबकि खनिज तेल टैंकर को जहाज कहते हैं। ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अब जल परिवहन के मार्ग के विकास की आवश्यकता क्यों है, इस पर हम चर्चा करते हैं। यदि आपके परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि भारत में जल परिवहन के विकास की आवश्यकता क्यों है, तो इसके जवाब में आपको लिखना पड़ेगा कि जल परिवहन के लिए ना तो मार्ग निर्माण या कोई रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती। जीरो मेंटेनेंस ट्रैवल्स होता है, जीरो मेंटेनेंस ट्रैक होता है जल परिवहन का। भाई नदी है, नदी बह रही है, अपनी नौका डाली और चल पड़े। साथ ही भारत की लंबी तटरेखा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की रक्षा करती है। ये जो तटरेखा हम दिख रहे हैं ना, ये लाल रंग में, ये लंबी तटरेखा अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत में जल परिवहन का विकास क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस तटरेखा से हम भारत की सामरिक सुरक्षा को भी मजबूत करते हैं। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत के लिए रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इन द्वीपों की रक्षा के लिए भी जल परिवहन का विकास आवश्यक है। साथ ही साथ
तट से दूर गहरे सागरों में खनिज तेल क्षेत्र हैं हमारे, जैसे मुंबई है, यहाँ पर मुंबई से अंदर जाते हैं तो बॉम्बे हाई मिलता है, तो ऐसे इधर असम वाले क्षेत्र में भी, यहाँ पर भी समुद्री क्षेत्र में हमको खनिज तेल और प्राकृतिक गैसें मिलती हैं। तो समुद्र में भारत की मुख्य भूमि से अंदर तक इन चीज़ों का खनन किया जाता है, तो इनकी सुरक्षा के लिए, इनके विकास के लिए भी जल परिवहन का विकास आवश्यक है। साथ ही साथ 12 समुद्री मील तक सागर एवं मत्स्य क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भी जल परिवहन का विकास जरूरी है। भाई मछुआरे जाते हैं समुद्रों के अंदर से मछलियां पकड़ते हैं और उन मछलियों का निर्यात किया जाता है, जिससे राजस्व की प्राप्ति होती है। तो अब अगर आपको चार बिंदुओं में जवाब देना है कि भारत में जल परिवहन के विकास की आवश्यकता क्यों है, तो पहला बिंदु है, नंबर एक, जल परिवहन के लिए मार्ग निर्माण और रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती। नंबर दो, भारत की लंबी तटरेखा अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पूरी फैली हुई है, जिसके माध्यम से समुद्र पर निगरानी रखना भारत की सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए जलतंत्र को, जल परिवहन को विकसित करना आवश्यक है। नंबर तीन, अगर हम बात करते हैं तो जो अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उनकी सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टि से जल परिवहन का विकास आवश्यक है। नंबर चार, हम देखते हैं कि खनिज तेल क्षेत्रों की सुरक्षा एवं उनके विकास के लिए जल परिवहन क्षेत्र का विकास आवश्यक है, और मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए, अगर हम इनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो तेल कोई और देश के जहाज आकर निकाल ले जाएंगे, हमारे क्षेत्र की मछलियों का कोई और शिकार करेगा और वो उनसे व्यापार करके माल कमा लेगा। तो इसलिए अपने राजस्व को भी बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए और देश की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए भी जल परिवहन की विकास की अत्यधिक आवश्यकता है। ये अपन देख रहे हैं, जैसे ये पनडुब्बी है, इसके माध्यम से जल क्षेत्रों की और इन द्वीप समूहों की सुरक्षा की जाती है। ये बॉम्बे हाई का क्षेत्र है, जहाँ पर खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैसों का उत्पादन होता है, इनकी सुरक्षा आवश्यक है, और मत्स्य क्षेत्र जहाँ पर मत्स्य आखेट किया जाता है, उन क्षेत्रों की भी सुरक्षा के लिए जल परिवहन का विकास जरूरी है। जल परिवहन सेवाएं भारत में तीन प्रकार की हैं, पहला है आंतरिक जल परिवहन, दूसरा है तटीय जल परिवहन, और तीसरा है सामुद्रिक जल परिवहन। तो आंतरिक जल परिवहन, तटीय जल परिवहन और सामुद्रिक जल परिवहन में सबसे पहले हम देखते हैं आंतरिक जल परिवहन को। आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत पाते हैं कि आंतरिक जल परिवहन राज्य का विषय है। राज्य का मतलब भारत एक संघ शासित प्रदेश है, जो हमने पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, और उसके अंतर्गत 28 राज्य हैं। तो आंतरिक जल परिवहन जो नदियों एवं झीलों के अंतर्गत है, आंतरिक जल परिवहन में जो परिवहन का मुख्य साधन है या मुख्य माध्यम है, वह नदियां हैं और झीलें हैं। तो जिस राज्य में ये नदियां स्थित हैं, जिस राज्य में ये नदियां प्रवाहित हैं, जिस राज्य में ये झीलें स्थित हैं, उस राज्य का दायित्व है इस आंतरिक जल परिवहन की व्यवस्था करने का। भारत की प्रमुख नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा और ताप्ती, इनके 3,700 किलोमीटर तक इन नदियों में मोटर बोट से जल परिवहन किया जा सकता है, नौका चलाई जा सकती है, लेकिन हम अभी केवल 2,000 किलोमीटर जल क्षेत्र का ही उपयोग कर पा रहे हैं नौकायन के लिए, जल परिवहन के लिए मोटर बोट के माध्यम से। यहाँ पर नदियों को अगर हम देखते हैं तो इसको हम लार्ज करके देखेंगे जब, तो ये देखिए, यहाँ पर ये गंगा और यमुना नदी, इसके बाद ये नर्मदा नदी, ताप्ती, यहाँ पर गोदावरी, कावेरी, ये कृष्णा नदी, महानदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये आ रही है ये। तो इस तरह से इन नदियों के टोटल क्षेत्र में अगर हम देखें तो 3,700 किलोमीटर की दूरी ऐसी निर्धारित की गई है जहाँ पर यांत्रिक नौका मतलब मोटर बोट चलाई जा सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में हम कितना उपयोग कर पा रहे हैं, 2,000 किलोमीटर का, 1,700 किलोमीटर का उपयोग करना शेष है। अब हम बात करते हैं कि देश के नहरों की, तो देश के नहरों में 4,300 किलोमीटर की दूरी यांत्रिक नौकायन की योग्य है, लेकिन उपयोग केवल 900 किलोमीटर का ही हो रहा है, मतलब लगभग 25% क्षेत्र का ही हम उपयोग कर पा रहे हैं। भारत में बढ़ती जनसंख्या, सड़क और रेल मार्गों पर बढ़ते परिवहन का दबाव, ये आप लोग देख रहे हैं, भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। रेलों पर देखिए, जितने लोग अंदर बैठे होंगे उससे ज़्यादा कहीं बाहर ये लटक के जा रहे हैं, इसी तरह ये बसेस के हाल हैं, मतलब स्थल परिवहन की तो कवाड़े लग चुके हैं, हालत ख़राब है।
तो इस लोड को कम करने के लिए भारत सरकार आंतरिक जल मार्गों को पुनर्जीवित करने में लगी हुई है। मतलब पहले जो जलमार्ग जल परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाते थे, अभी वो बंद हैं, उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है। और इसके लिए प्रमुख 10 नदियों को सम्मिलित करके भारतीय आर्थिक जल परिवहन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। ये आपको महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको, कि भारतीय आर्थिक जल परिवहन प्राधिकरण की स्थापना भारत के आंतरिक जल मार्गों को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया है और इसमें 10 प्रमुख नदियों को शामिल किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं तटीय जल परिवहन को। तटीय जल परिवहन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो भारत की तटरेखा 5,717 किलोमीटर लंबी है। ये यहाँ से लेकर के ये पूरी तटरेखा जो रेड इंक में आपको दिख रही है, ये 5,700 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल हैं। इस समय भारत में 13 बड़े और 184 छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। बंदरगाहों के बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे और अभी केवल आपको इनकी संख्या जानना जरूरी है। तटीय परिवहन के अंतर्गत हम देख रहे हैं, इसलिए 13 बड़े बंदरगाह हैं और 184 छोटे और मझोले किस्म के बंदरगाह हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है भारत की तटरेखा जो 5,717 किलोमीटर लंबी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सामुद्रिक परिवहन की, मतलब समुद्री मार्गों से ये जो सामुद्रिक परिवहन है, इस सामुद्रिक परिवहन की। सामुद्रिक परिवहन के अंतर्गत हम देखते हैं तो समुद्री जहाज़ों द्वारा ढोए जाने वाले माल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 19वां है। मालवाहक जहाज़ों को क्या बोलते हैं हम, याद आया? मालवाहक जहाज़ों को हम क्या बोलते हैं, ट्रैम्प। यात्री ढोने वाले जहाज जिनसे यात्राएं की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, लाउडर। तो ट्रैम्प की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ट्रैम्प की स्थिति में मालवाहक जहाज़ों की दृष्टि में भारत का स्थान विश्व में 19वें नंबर पर है, जबकि विकासशील देशों के बीच भारत के पास सबसे बड़ा व्यापारिक बेड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जहाज रानी की कुल 140 के लगभग कंपनियां क्रियाशील हैं। इसको आपको याद रखना चाहिए कि भारत का ट्रैम्प के मामले में, मतलब माल ढुलाई में, 19वां नंबर है। विकासशील देशों में भारत का व्यापारिक बेड़ा सबसे बड़ा है, जहाजी बेड़ा, जबकि क्रियाशील जहाज रानी कंपनियों में भारत में 140 जहाज रानी कंपनियां एक्टिव हैं। इन एक्टिव 140 कंपनियों में से 107 कंपनियां तो केवल समुद्र तटीय व्यापार में लगी हैं, ये जो समुद्र का तट है यहाँ के व्यापारिक क्षेत्रों में लगी हुई हैं। 23 विदेशी व्यापारों में है, मतलब ये भारत के समुद्र तटों को छोड़कर विदेशों से व्यापार करने वाली 23 कंपनियां हैं और 10 कंपनियां ऐसी हैं जो तटवर्ती व्यापार भी करती हैं और विदेशी व्यापार भी करती हैं, ठीक है ना। तो तीन तरह का व्यापार होता है सामुद्रिक कंपनियों द्वारा, ये जहाजी बेड़ा वाली कंपनियों द्वारा, एक समुद्र तटीय, एक विदेशी व्यापार, और तीसरा तटीय और विदेशी दोनों सम्मिलित रूप से करती हैं। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की शिपिंग कंपनी के बारे में। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत की सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी कंपनी है, जिसके पास 88 जहाज़ों का बेड़ा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। भारत से गुजरने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग चार हैं, एक सिंगापुर मार्ग, एक ऑस्ट्रेलिया मार्ग, एक स्वेज मार्ग और एक उत्तमाशा अंतरीप मार्ग, ठीक है ना। तो ये चार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, इनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप मैप के माध्यम से समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखिए, ये पहला सिंगापुर मार्ग। सिंगापुर कहाँ स्थित है, यहाँ पर, ये मेरा ये कर्सर हिल रहा है ना, ये यहाँ पर, ये बिंदु सिंगापुर का। सिंगापुर कहाँ से, जापान से, ये जापान है यहाँ पर, ये जापान है, ये जे लिखा है मैंने, जापान से सिंगापुर और सिंगापुर से कोलकाता होते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के तटों की तरफ निकल जाता है जो जलमार्ग, वह कहलाता है सिंगापुर मार्ग। मतलब जापान से सिंगापुर, सिंगापुर से कोलकाता और कोलकाता से श्रीलंका को राउंड लगाते हुए जो जल जहाज सीधे अमेरिकी तटों को निकल जाते हैं, वह मार्ग कहलाता है सिंगापुर मार्ग, ठीक है ना। अब इसको आपको कभी नहीं भूला जाएगा, एक बार इसकी छवि आप अपने दिमाग में रख लो, नक्शा आपको याद होना चाहिए, विश्व का नक्शा, कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर स्थित है और कौन सा देश, महत्वपूर्ण देश कहाँ पर स्थित है। तो जापान से सिंगापुर, सिंगापुर से कोलकाता होते हुए अमेरिका को जाने वाला मार्ग सिंगापुर मार्ग, जबकि दूसरा मार्ग है ऑस्ट्रेलिया मार्ग। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर स्थित है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बिंदु ऑस्ट्रेलिया का, और ये है न्यूजीलैंड। तो चेन्नई से सिंगापुर होते हुए जो जल मार्ग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जाता है, वह कहलाता है ऑस्ट्रेलिया मार्ग। ये चेन्नई है,
सिंगापुर आपको पहले ही बता चुके हैं। तो चेन्नई से सिंगापुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगा के हम आ गए न्यूजीलैंड। ये कहलाया दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया मार्ग। तीसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है स्वेज मार्ग जो मुंबई से, ये दिख रहा है आपको नक्शे मुंबई, इससे मुंबई से पोर्ट सईद होते हुए अगर जो मार्ग लंदन को चला जाए, ये देखिए आप, तो ये मुंबई, मुंबई से सीधा हम पोर्ट सईद पहुँचे यहाँ पर, यहाँ पर स्थित है पोर्ट सईद, और पोर्ट सईद से लंदन पहुँच जाओ, यह मार्ग कहलाता है स्वेज मार्ग। स्वेज नहर से होते हुए जाते हैं इसमें। अगला है उत्तमासा अंतरीप मार्ग जो मुंबई से मुंबासा होते हुए यूरोप और अमेरिकी तटों तक पहुँचता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये है यूरोपी तट, ये और ये है अमेरिकी तट यहाँ पर। तो ये मुंबई से मुंबासा होते हुए जो जलमार्ग यूरोपीय क्षेत्रों को और अमेरिकी तटवर्ती क्षेत्रों को स्पर्श करता है वह कहलाता है उत्तमाशा अंतरीप। आपको चारों अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार आप लोगों ने विश्व की सबसे सस्ती परिवहन प्रणाली को समझ लिया होगा। भारत में जल परिवहन को आपने समझा तीन भागों में विभाजित थी जल परिवहन को, पहला आंतरिक जल परिवहन, दूसरा तटीय जल परिवहन और तीसरा सामुद्रिक या अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन राज्य सरकारों का विषय है, नदियों और झीलों में इनका परिवहन होता है, जबकि तटीय जल परिवहन में समुद्र तटीय क्षेत्रों में उसका परिवहन होता है, और इसमें समुद्र तटीय क्षेत्रों में व्यापारिक कंपनियां जो अपने अपने जहाजी बेड़ों के साथ संलग्न हैं वे कार्य करती हैं। ये तीन तरह की हैं, तटीय क्षेत्रों में कार्य करने वाली या व्यापार करने वाली, कुछ विदेशी व्यापार करने वाली, और तीसरी तटीय क्षेत्रों में भी काम करती हैं और विदेशों में भी व्यापार करती हैं। इसके बाद हमने देखे चार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में, जिसमें प्रमुख जलमार्ग थे सिंगापुर मार्ग, ऑस्ट्रेलिया मार्ग, उत्तमाशा अंतरीप मार्ग, ये प्रमुख मार्ग थे, इनको आपने समझा। चलिए अब हम देखते हैं दुनिया की सबसे महंगी लेकिन तेज गति से चलने वाला परिवहन वायु मार्ग। चलिए हम आरंभ करते हैं। आज का अगला टॉपिक है हमारा वायु परिवहन। वायु परिवहन के अंतर्गत अगर हम, जैसा कि बताया मैंने आपको कि यह दुनिया का सबसे महंगा परिवहन का साधन है लेकिन तीव्रगामी साधन है। वायुमार्ग मुख्यतः यात्रियों को ढोने का कार्य करते हैं, हालांकि इनसे डाक और माल ढोने का कार्य भी लिया जाता है। मतलब मेन काम इनका क्या है, यात्री ढोने का, लेकिन अगर कहीं अर्जेंट हो, जरूरी हो जाए तो डाक और माल भी इससे पहुंचाया जा सकता है और लाया जा सकता है। भारत में हम हवाई विकास की अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले हवाई उड़ान 1911 में हुई थी। ये कहाँ हुई थी हम मैप पे देखते हैं कि ये देखिए, ये भारत का नक्शा, भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये इलाहाबाद। इलाहाबाद के ही पास में नज़दीक स्थित है नैनी। तो इलाहाबाद और नैनी के बीच में सन 1911 में पहली बार हवाई उड़ान भरी गई थी, और यह उड़ान प्रदर्शन के रूप में सीमित थी। मतलब यहाँ पर हवाई उड़ान का प्रदर्शन किया गया था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि आज़ादी के बाद भारत में इसमें जो वायु मार्ग है, वायु परिवहन है, उसमें सुधार किया गया और विकास किया गया। तो इसके लिए 13 अगस्त 1953 को इस वायु क्षेत्र का, वायुमार्ग का, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब राष्ट्र के लिए अंगीकार किया गया, मतलब इसको सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल किया गया। इसके पहले निजी रूप से वायुमार्ग का, वायु परिवहन का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन 1953 में 13 अगस्त से, मतलब आज़ादी स्वतंत्रता दिवस के दो दिन पहले इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में भारत में दो कंपनियाँ, दो प्रतिष्ठान स्थापित हैं हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए। पहला है एयर इंडिया, इसको हम जान लें। एयर इंडिया की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में। वर्तमान में इसकी सेवाओं का विस्तार अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम और पूर्वी एशिया तक है, जबकि इसका मुख्यालय हमारे मुंबई में स्थित है। इसमें, इस स्लाइड में ही आपको सारी चीज़ समझ में आना चाहिए। एयर इंडिया की बात कर रहा हूँ, एक और है इंडियन एयरलाइंस जो इसी वीडियो में आगे आएगा। तो एयर इंडिया का जो मुख्यालय वो कहाँ स्थित है, मुंबई में। भारत से अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब भारत कहाँ पे, एशिया महाद्वीप में है। इस एशिया महाद्वीप से अन्य महाद्वीपों के लिए, चाहे एशिया से अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, पूर्वी एशिया,
पश्चिमी एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों या महाद्वीपों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा के लिए एयर इंडिया का इस्तेमाल किया जाता है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। जबकि इंडियन एयरलाइंस अंतर्देशीय हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित है। अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल, अंतर महाद्वीपीय सेवा देती है, जबकि अंतर्देशीय मतलब एशिया के अंदर ही। आगे हम देखते हैं, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और यह यात्रियों के साथ साथ माल और डाक सेवा भी उपलब्ध कराती है। मतलब ये देश के अंदर भी सेवाएं उपलब्ध कराती है भाई। देश के अंदर दिल्ली से कलकत्ता जाना हो तो इंडियन एयरलाइंस, दिल्ली से जबलपुर जाना हो, दिल्ली से जबलपुर से भोपाल जाना हो, भोपाल से चेन्नई जाना हो, चेन्नई से बेंगलोर जाना हो, मतलब देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना हो, कोई डाक भेजना हो, कोई सामग्री भेजना हो, तो इंडियन एयरलाइंस का इस्तेमाल होगा। लेकिन देश के बाहर भी जाता है, लेकिन सिर्फ एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के बाहर नहीं। कहाँ पर? 17 हवाई अड्डों तक इसकी उड़ान है। वर्तमान में इसको हम इंडियन के नाम से जानते हैं। ये 17 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं देखिए, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बैंकॉक, सिंगापुर, कुआलालंपुर, रंगून, काठमांडू, कोलंबो, ढाका, माले, कराची, कुवैत, शारजाह, दुबई, फुजैरा, रसल खैमार, मस्कट, दोहा और बहरीन। ये लगभग एशियाई देश हैं सारे। इन एशियाई देशों में और भारत के अंदर जो वायु सेवा देती है वह है इंडियन एयरलाइंस। जबकि भारत को अन्य महाद्वीपों से जोड़ने वाली जो वायु सेवा है वह कहलाती है एयर इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इंडियन एयरलाइन जो देश के अंदर और एशिया के अंदर जो सेवाएं देती हुआ है उसका मुख्यालय है दिल्ली में। अब हम देखते हैं वायुदूत। तो हमने देखा कि एक महाद्वीप से, भारत से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप, इनको जोड़ने वाली वायु सेवा कौन सी है? वह है एयर इंडिया। देश के अंदर इंडियन एयरलाइंस, तो ज़रूरी नहीं है कि इंडियन एयरलाइंस सभी जगह सेवाएं उपलब्ध करा पाए। तो वे जगह है जहां पर इंडियन एयरलाइंस की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं और उन क्षेत्रों को व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन की दृष्टि से जोड़ने के लिए हमको वायुदूत की आवश्यकता पड़ी। साथ ही देश के पूर्वोत्तर भाग की हवाई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 20 जनवरी 1981 को वायुदूत सेवा की स्थापना की गई है। यह वायुदूत सेवा जो है वहाँ सेवा देती है जहाँ पर इंडियन एयरलाइंस की अप्रोच नहीं है, इंडियन एयरलाइंस की पहुँच नहीं है, और यह है व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्य जो अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड इत्यादि हैं, वहाँ पर अपनी सेवाएँ प्रदान करती है। इसके बाद चौथी जो वायु सेवा है वह पवन हंस। ये तीन जो वायु सेवाएं थी इसके पहले वाली, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत, ये हवाई जहाज वाली सेवाएं थी, लेकिन पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा है जिसकी स्थापना तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा की गई थी और इसका मुख्य कार्य समुद्र एवं तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की खोज करना थी। हेलीकॉप्टर की सेवा उपलब्ध कराने के लिए इस पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को की गई थी। इसका काम केवल तटीय क्षेत्रों में तेल की खोज करना ही नहीं है, बल्कि यह देश के दुर्गम इलाकों में भी नियमित सेवा प्रदान करती है। जहां पर विशेष हेलीकॉप्टर सेवा की जरूरत पड़ती है वहां पर पवन हंस उपलब्ध होता है। पवन हंस सेवा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। घरेलू हवाई अड्डे तथा असैनिक विमान परिसरों की देखरेख का कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करता है। ये लाइन आपको महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकती है आपके लिए ये, कि पवन हंस का काम कहाँ पर है? दुर्गम इलाकों में सेवाएं देने के लिए, जबकि भारतीय विमान प्राधिकरण क्या करता है? विमानपत्तन प्राधिकरण असैनिक मतलब पब्लिक के जो विमान परिसर हैं, मतलब एयरपोर्ट्स की देखरेख का काम, जो हवाई अड्डों की देखरेख का काम है, चाहे वे घरेलू हवाई अड्डे हों या असैनिक हवाई अड्डे हों, उनकी देखरेख का कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि जल परिवहन और वायु परिवहन, मतलब दुनिया का सबसे सस्ता परिवहन का साधन और दुनिया का सबसे महंगा परिवहन का साधन क्या है, कैसे हैं भारत के संदर्भ में। भारत में जल परिवहन की बात करें हम तो तीन भागों में है, आंतरिक जल परिवहन, तटीय जल परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन जो सामुद्रिक परिवहन के अंतर्गत आते हैं। जबकि वायु सेवाओं की बात करें तो एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग, इंडियन एयरलाइंस अपने ही कॉन्टिनेंटल में एशियाई और भारतीय शहरों के लिए, जबकि वायुदूत जहाँ पर इंडियन एयरलाइंस नहीं पहुँच पाया वहाँ पर वायुदूत, और
जहां पर वायुदूत भी ना पहुंच पाए उसके लिए पवनहंस हेलीकॉप्टर सेवा की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपको महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कराना है, उन प्रश्नों को नोट करें। उसके पहले थोड़ा सा आप ये भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम और नोट कर लो और इनका लोकेशन देख लो, फिर मैं आपको नोट कराता हूँ पांच महत्वपूर्ण प्रश्न। ये चीज़ मैंने दोबारा इसलिए लिखी है कि घरेलू हवाई अड्डे तथा असैनिक विमान परिसरों की देखरेख का कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करता है। चूँकि ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का क्या कार्य है, इसलिए अब यहाँ पर देखिए भारत के छह प्रमुख हवाई अड्डे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, केरल और गुजरात, इनके नाम यहाँ पर सामने दिए हुए हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आप जब मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए, नंबर 1 मुंबई, नंबर 2 कोलकाता, नंबर 3 दिल्ली, चेन्नई 4 नंबर पे, 5 पे केरल और 6 पे अहमदाबाद का गुजरात। तो इस तरह से नक्शे को अगर हम मानचित्र के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो कुछ ही समझ में आ जाती है। यदि हम ऐसा देख रहे हैं तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ पर स्थित है, लेकिन जैसे ही हमारा मैप सामने आया, हम इसको अगर ढाक भी देते हैं, इसको अगर हम नहीं भी देखते हैं, तो भी हमको ये समझ में आ जाता है कि किस जगह पर कौन सा हवाई अड्डा है। पहले नंबर पर मुंबई का हवाई अड्डा, दूसरे पे कोलकाता, तीसरे पे दिल्ली का, चौथे पे चेन्नई का और पाँचवें पे केरल, छठवें पे गुजरात का अहमदाबाद। ठीक है ना, तो इस तरह से इन हवाई अड्डों के नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। और अब बारी है आपको इन प्रश्नों को हल करने की। चलिए पहला प्रश्न नोट कीजिए, इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रश्न क्रमांक 2, भारतवर्ष से गुजरने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं। नंबर 3, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं। नंबर 4, वायुदूत और पवनहंस क्या है, इनके कार्य लिखिए। और अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय विमान प्राधिकरण के क्या कार्य हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो पर आधारित इन पांच सरल प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और आज हमने लगभग लगभग परिवहन के साधनों का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने स्थल परिवहन को तो सड़क परिवहन और रेल मार्ग के माध्यम से पहले ही देख लिया था, आज हमने जल परिवहन को भी देख लिया और साथ में वायु परिवहन को भी पढ़ लिया है। पोताश्रय, बंदरगाह, संचार के साधन इत्यादि के बारे में हम अगले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर, और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।